बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य योगेश नौवार के पहली बार आगरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। योगेश नौवार ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आभार जताते हुए इसी कार्यकर्ताओं की जीत बताई। बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य योगेश नौवार पहली बार आगरा पहुंचे थे। आगरा कैंट स्थित होटल ग्रांड में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और फूलमालाओं से उन्हें लाद दिया। अपने सम्मान से अभिभूत विधान परिषद सदस्य योगेश नौवार काफी खुश नजर आए। प्रेस से मुखातिब अपने संबोधन में योगेश नौवार ने विधान परिषद सदस्य बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह सभी कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आभारी हूँ कि उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसे जी जान से बखूबी निभाऊंगा। वह काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने विधान परिषद सदस्य बनने के लिए यह कार्यकर्ताओं की जीत बताई। नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य के साथ आगरा पहुंचे सादाबाद क्षेत्र के विधायक गुड्डू चौधरी भी कार्यकर्ताओं के इस जोशीले स्वागत से काफ़ी प्रफुल्लित दिखाई दिए। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के इस जज्बे को नमन करते हुए नजर आए। मैं सबसे पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी सिंह जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मुझ जैसे छोटे अदले से कार्यकर्ता को उन्होंने विधान परिषद में भेज करके जो कार्य किया है मैं देख रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बड़े प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और राष्ट्रीय लोकदल के जो नौ रत्न हैं, नौ विधायक हैं, जिनमें से एक यहाँ पर मौजूद हैं सादाबाद के विधायक गुड्डू चौधरी जी, इन नौ के नौ विधायकों की ईमानदारी और पार्टी के प्रति समर्पण की भावना की वजह से ये मुकाम मुझे हासिल हुआ है। मैं इन लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। योगेश नौवार जी का प्रेम की नगरी आगरा में प्रथम बार आने पर आगरा की समस्त राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए की तरफ से इनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए के साथ गठबंधन करके हमारे जमीनी कार्यकर्ता योगेश नौवार को विधान परिषद भेजने का जो काम किया है इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय जयंत चौधरी का बारम्बार अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और उनके इस निर्णय मैं कहना चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से किसान, मजदूर और गरीब और जमीनी कार्यकर्ताओं की राजनीति करते हैं उसका एक जीता जाता उदाहरण आपको देखने के लिए सामने बैठा हुआ है। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर और राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष महेश जाटव भी उपस्थित थे। उन्होंने भी नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य योगेश नौवार का स्वागत कर उनको मिली इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। आगरा राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से भाई योगेश नौवार जी को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाई योगेश नौवार जी को विधान परिषद में भेज करके बहुत बड़ा काम किया। चूँकि योगेश जी अपने मुँह से नहीं कह पा रहे हैं, योगेश जी ने बहुत संघर्ष किया है। 2017 का चुनाव बहुत नज़दीकी से हारे और 2022 का जो चुनाव था वो चुनाव में लड़ते लड़ते वो नहीं लड़ पाए। तो इन सब बातों को देखते हुए माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत शानदार निर्णय है और हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने नेतृत्व के। इस जो एक जो महीने के अंतर जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसले लिए वो बड़ी बहुत ही तारीफ काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए एक दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाने का काम भाई योगेश नौवार जी ने बहुत संघर्ष किया, उनको MLC बनाने का कार्य किया। और मैं आने वाले समय में मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि भाई योगेश नौवार जी
हमारे गरीब दलित मजदूर किसान गरीब की आवाज़ को विधान परिषद में बुलंद करने का कार्य करेंगे। आज राष्ट्रीय लोकदल का चारों जो लोकतंत्र में जो चारों स्तंभ हैं, चारों स्तंभ नहीं चार विधान परिषद हैं, जैसे विधायकी एमएलसी राज्यसभा और लोकसभा। अभी हमारा लोकसभा में नहीं है, मगर आने वाले कुछ समय में 2024 में लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व होगा और सभी सदनों में हमारा प्रतिनिधित्व है। सभी सदनों में राष्ट्रीय लोकदल की बात रखने के लिए हमारे राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के बाद पार्टी और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वागत समारोह में पहुंचे जिले भर के कार्यकर्ता तीसरी बार प्रधानमंत्री को भारी बहुमत के साथ जिताने के लिए अपील करते नजर आए और एकजुटता के साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चुनावों में अभी से जुट जाने की कार्यकर्ताओं से अपील की। मून न्यूज के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।